गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं हूँ चंदन। आज हम लोग बात करेंगे किटकैट फ्यूज वर्सेस एमसीबी, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है वो जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहले जान चुका हूँ जो किटकैट फ्यूज और एमसीबी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। किटकैट फ्यूज और एमसीबी ये कैसे काम करते हैं हम लोग पहले ही जान चुका है। तो किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए, तो मैं चीज़ का डिफरेंस बताऊँगा। मैंने दो चार पॉइंट लेके आया है किटकैट फ्यूज और एमसीबी के अंदर डिफरेंस के लिए। ये हमारा एमसीबी इजी रीसेट करने के लिए इजी रीसेट करते हैं, और किटकैट फ्यूज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अब किटकैट फ्यूज का फोटो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में और एमसीबी का दिखाई दे रहा है। तो किटकैट फ्यूज का तो अंदर का वायर बर्न हो गया, तो उसको खोल के लगाने के लिए एक कोई भी इंसान नहीं कर सकते। जैसा करके घर में रहता है तो औरत लोग, तो वो हर किसी नहीं कर सकते, बट एमसीबी रहेगा तो वो आसानी से उसको ऑन कर सकता है। तो किटकैट फ्यूज में डो नॉट सेफ्टी सेफ्टी नहीं रहता है ना, आपको वायर जल गया तो कुछ भी हो गया तो वो बाहर की तरफ भी उसका फ्लशिंग आ सकता है। बट एमसीबी में उसका कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर सकते और चारों तरफ से प्रोटेक्शन भी है। और किटकैट फ्यूज लो प्राइस में मिलता है मार्केट में, और एमसीबी मिलता है मीडियम प्राइस में। इसका ट्रिपिंग करंट, किटकैट फ्यूज का ट्रिपिंग करंट जो अच्छा वाला पॉइंट है, जो ट्रिपिंग करंट नॉट फिक्स्ड, आपका 16 एम्पियर का एमसीबी लगाया है तो आपका ये जो एमसी फ्यूज वायर रहता है, फ्यूज वायर एक बार बर्न हो गया, दूसरा बार जब आप लगाया है को पता नहीं है ये वाला जो फ्यूज लगाया है इसका एम्पियर रेटिंग कब है, कितना है। सी हो सकता है 15, सी हो सकता है 17, सी हो सकता है 18, इधर 14 भी हो सकता है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। आप वो वायर चेंज करने के टाइम भी आपको पता नहीं है जो ये वाला वायर कितना में वो बर्न होगा। बट एमसीबी में जो ट्रिप हो जाता है तो आप उसके रिसेट करने के बाद भी वो 16 एम्पियर है तो 16 एम्पियर में ट्रिप करेगा, तो ये है फिक्स्ड रहता है। और असेंबली पॉइंट टू हार्ट, जो आप एक वाला किटकैट फ्यूज का आप बेस देखेंगे तो ये बेस के अंदर ये फ्यूज रहता है, तो ये जब बार हो जाता है इसको खोल खोल के आपको इधर दो स्क्रू रहते हैं निकल के आपको वायर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हार्ड है वो अर्द लग के लिए। तो बट ये जो एमसीबी का जो असेंबली पॉइंट रहता है कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा बोला एक पॉइंट रहता है, ये ट्रिप कर गया तो इसको उठा दो ऊपर, बस काम खत्म। तो हो जाता है हमारा का असेंबली, और बिठाने के लिए भी ये भी इजी है, सिर्फ दो अंदर पीछे का सॉकेट रहता है, उस सॉकेट के अंदर प्रेस करो तो बैठ जाता है। इसके लिए नट बोल्ट लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो आपका बेसिक जो पॉइंट चाहिए हम लोगों को किटकैट फ्यूज और एमसीबी के ऊपर वो आपको शायद मिल गया होगा। तो मिल गया तो एक लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और ए टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो ए टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और भी एक तरीके से मेरे साथ जुड़ा रह सकता है वो फेसबुक पेज, मैं फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।